हरिओम सबको, मेरा नमस्कार। मेरा नाम वाणीश्री और मैं चिन्मया विद्यालय की अध्यापिका हूँ। आज मैं कुछ सकारात्मक मूल्यों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ मूल्यों को अपनाना ज़रूरी है। पहला है लोगों को समान दृष्टि से देखना। हम जानते हैं आज के ज़माने में भी जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते हैं, दूसरों को मारते हैं। हम शिक्षित लोग हैं तो हमें इतना ज़रूर समझना चाहिए कि जाति के नाम पर लोगों को विभाजित नहीं करना चाहिए। जाति के आधार पर नहीं बल्कि ज्ञान के आधार पर लोगों को सम्मान देना चाहिए। आप महर्षि विश्वामित्र के बारे में सुने होंगे। वे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में से एक थे। वे जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। तप और ज्ञान के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि मिली। इसके साथ साथ चारों वेदों का ज्ञान और ओंकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी अपनी पुस्तक में बताया है कि बचपन में एक मुसलमान होने के कारण उन्हें अपनी कक्षा में पीछे वाली बेंच पर बैठना पड़ा। सोच में विचार लाना ज़रूरी है। संत कबीर ने भी कहा है कि जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात जाति के बारे में सोचिए मत, ज्ञान को महत्व दीजिए। इसके साथ साथ दूसरों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञानी या धनी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरों के काम ना आए तो ये ज्ञान और धन सब कुछ बेकार है। इसलिए कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। खजूर का पेड़ इतना ऊंचा है कि लोगों को न छाया देता है और ना फल। तो दूसरों की मदद करो और ज्ञानी लोगों का सम्मान करो। धन्यवाद।